अपना जो वीडियो है वो है स्टार्टर के बारे में, ट्यूबलाइट का स्टार्टर वर्किंग कैसे करता है और इसको अपन टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको एक स्टार्टर दिखाई दे रहा होगा जहाँ ये इसकी बाई मेटलिक स्ट्रिप यानी कि द्विधात्विक पट्टी लगी हुई है, ये आपको पट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है। इसका एक पॉइंट इस वाले भाग से बाहर निकलता है और ये दूसरा वाला पट्टी सहित ये इस वाले भाग से बाहर निकलता है। यदि इसको मैं सीरीज टेस्ट लैंप के साथ टेस्ट करना चाहूँ तो देखिए, मैंने एक भाग तो इस पहले वाले कॉन्टेक्ट पॉइंट को दिया हुआ है और यहाँ पे ये दूसरा वाला इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को दिया हुआ है और न्यूट्रल मैंने सीधा किसको दे दिया, लैंप को दिया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो देखिए, ये फेज जैसे ही इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के संपर्क में आएगा तो यहाँ से ये फेज यहाँ पर आएगा। तो पूर्व अवस्था यानी कि जब स्टार्टिंग में क्या होता कि ये जैसा आपको ये मुड़ी हुई पट्टी दिखाई दे रही है, ये स्टार्टिंग में ये पट्टी इससे मिली हुई रहती है और जैसे ही ये पट्टी इससे मिली हुई रहती है तो क्या होता है कि धारा यहाँ से इसके अंदर से होती हुई इस लैम्प को मिलती है, इस लैम्प को फेज और न्यूट्रल मिल जाते हैं और स्टार्टिंग में ये लैम्प ऑन हो जाता है। लेकिन ये धारा इस पट्टी के लिए बहुत ज़्यादा होती है जिस कारण क्या होता है कि ये गर्म होके मुड़ने की कोशिश करती है। जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये पट्टी अभी मुड़ गई है, जैसे ही मुड़ जाने के कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट हट जाता है, जिससे क्या है कि ये फेज अब वापस यहीं पर रुक जाता है और इस पट्टी से होकर बाहर इस लैम्प तक नहीं आ पाता। तो पहली कंडीशन जो आपने देखी जब लैम्प चलता है, फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो पट्टी उससे हट गई क्योंकि ये द्विधात्विक पट्टी है जिसमें क्या थोड़े सा हीट आने पर वो क्या होता है कि बैंड खा जाते हैं। जैसे यहाँ एक बैंड आ गया तो बैंड खाने के कारण आगे सप्लाई उस समय चलती नहीं है, तो क्या होगा आपका लैम्प बुझ गया या बंद हो गया, आपका लैम्प बंद हो गया। फिर जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में यानी इस पट्टी के साथ वापस मिल जाएगी, तो क्या होगा आपका लैम्प जैसे ही पट्टी मिल जाएगी तो यहाँ से फेज वापस यहाँ आएगा और लैम्प जल जाएगा, यानी लैम्प जलता है। फिर वापस वही वाली स्थिति क्या कि इसके अंदर धारा चलेगी तो ये वापस गर्म होके बैंड हो जाएगी, तो छोटी स्थिति में क्या होगा लैम्प बुझ जाएगा या बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी वापस इसे मिल जाएगी, तो आपने क्या देखा कि पहली स्थिति में जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, यानी ये लैम्प जैसे आप टेस्ट करोगे तो ये जलना बुझना जलना बुझना जलना बुझना ये चलता ही उसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि जला फिर बुझेगा जलेगा बुझेगा, ऐसा नहीं, ये कंटिन्यू चलता है जलना बुझना जलना बुझना जलना बुझना। जैसे आप इसको लैम्प को देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्थिति बहुत फास्ट होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जलेगा फिर बंद होगा, ऐसा नहीं होता, ये चलता बुझना जलना बुझना चलता रहता है। तो यदि आपका लैम्प जो है, यदि लैम्प के बारे में देखते हैं लैम्प की कंडीशन क्या रहेगी, यदि लैम्प जलता और बुझता है, जलता बुझता है तो आपका स्टार्टर ओके माना जाता है। यदि ये कंटिन्यू जलता है, मान लेते हैं ये कंटिन्यू जलता है, इसमें बंद नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि ये पट्टी इससे शॉर्ट हुई पड़ी है, इससे मिली हुई है, तो वो आपका माना जाता है फॉल्ट, मतलब ओके नहीं है। फिर या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये लैम्प जले ही ना, ये लैम्प नहीं जल रहा है, तब क्या हो सकता है कि ये पट्टी इससे मिलती ही नहीं है, तो ये भी फॉल्ट कंडीशन में माना जाता है। तो आपका क्या होना चाहिए, जलना बुझना चलना चाहिए, तो ये आपका सही माना जाता है।